इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सती जी ने जब झूठ कहा, माया के आवरण से आवेश से शिव जी शांत हो गए, अंदर देखने लगे। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अंदर बैठे भगवान शिव जी के प्रेम में प्रकट हो गए। भगवान बाहर है, भगवान यहां, भगवान कहीं नहीं, भगवान हमारे अंदर है। अंदर है भगवान, दिखता नहीं है। जो देखना चाहता उसको दिखता है, जो नहीं देखना चाहता उसको नहीं दिखता है। जो देखने की ललक में लग जाएगा वो अवश्य दिखेंगे। शंकर भगवान को भगवान ने कहा, विनय पूर्वक कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव जो मोह पर जाओ जी विवाह हुशे यह महिमा के। हे शिव जी, हमारी विनय सुनिए। क्या विनय? जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से अब विवाह करिए, मुझे वर दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि प्रभु उचित तो नहीं है, परंतु आप हमारे भगवान हैं, श्रेष्ठ हैं, स्वामी हैं, आपकी बात को कौन मिटा सकता है। सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ, हमारा श्रेष्ठ की आज्ञा शिरोधार्य करनी चाहिए, इसी में हमारा हित होता है। जगत का चिंतन करते हुए भी अपने हित का स्मरण करना ये भक्ति में बुरा नहीं है। भगवान का चिंतन करते हुए अपने भी मंगल का चिंतन करना बुरा नहीं है, लेकिन अपना मंगल हो और का मंगल हो ये बहुत बुरा है। बस शिव जी ने वचन दे दिया, भगवान अंतर्धान हुए। आगे सप्तऋषियों का आगमन हुआ है। सप्तऋषियों से कहा भगवान शिव ने, जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए, आप संज्ञान रखें। सती जी ने जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, यज्ञ में योग अग्नि में शरीर को जला दिया। हिमांचल जी की पुत्री माँ भगवती पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हुआ। जैसी अंत में मति होती है जीव को, वैसी गति प्राप्त होती है। मति की जैसी गति होगी उसी प्रकार जन्म हमको आपको प्राप्त होता है। यत्न करना चाहिए मति में भगवत गति बनी रहे। मति में भगवत गति बनी रहे। हम बैठे तो भगवान का चिंतन करें, हम सो जाएं तो भगवान का स्मरण करें, हम मिले तो भगवत चरित्र की चर्चा करें। नहीं कर पाते हैं, सत्य का स्मरण करें, सत्य की चर्चा करें, सत्य को लें, सत्य ही दें, ये भी भक्ति है। रामो विग्रहवान धर्म, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, एषः राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी। राम जी साधु हैं, साधु का संग ये भक्ति है, सत्य सत्य का संग ये भक्ति है। जीवन में पराक्रम प्रधान होना ये भगवान की भक्ति है। कायरता भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति वीरत्व में है, भगवान की भक्ति समत्व में है, भगवान की भक्ति शीलता में है, भगवान की भक्ति साधु संगति में है। भगवान शिव भेजे, माँ ने कठोर तप किया था और प्रेम की परीक्षा हुई, निष्ठा सुनाया। सप्तऋषि हिमांचल जी के पास गए, आप अपनी बिटिया को लाइए, ऐसा ऐसा हमको शिव जी ने कहा,
शिव पुराण में कथा का बहुत विस्तार है। भगवान शिव को संदेश प्राप्त हुआ, शिव जी बड़े गदगद भए। शिव पुराण में तो ब्रह्मचारी के वेश में भगवान शिव स्वयं जाकर के परीक्षण करते, ऐसी भी कथा आती है। और फिर वहीं चातुर्मास से बिताते हुए माँ भगवती ने सेवा किया, फिर तो बड़ा सुंदर वातावरण बना, विवाह की तैयारी बनी, भगवान ब्रह्मा जी की प्रेरणा हो गई, आदि आदि कथाएं आती हैं। इसलिए बाबा लिखते हैं, चरित सिंधु गिर जा रमन वेद न पावहि पार, तो बरने तुलसी दास किमि अति मति मंद गवार। ये विस्तार है भगवान शिव के चरित्र का। धरती पर ऐसा कोई गांव नहीं जहां शिव जी नहीं, शिव जी का मंदिर नहीं, कोई पुस्तकालय नहीं जहां शिव जी के बारे में कोई कथा नहीं, कोई जीव नहीं जो शिव जी का स्मरण नहीं करता है। अस्तु स्कंद पुराण ने कहा कि जो किसी का भजन नहीं करे वो शिव भक्त है। जो दीक्षित लोग हैं वो तो ठीक है, जो दीक्षा नहीं पाए हैं वो भी शिव जी के नाम का नमः शिवाय जाप करते। शिव मंत्र को जपने के लिए सदगुरु की आवश्यकता नहीं है, शिव मंत्र स्वयं में सिद्ध मंत्र है। ऐसा भगवान शिव से वर प्राप्त किया उनके गणों ने, स्वयं सिद्ध है। तो ऐसे भगवान शिव प्रेम परीक्षण के बाद बड़े गदगद हुए। देखिए, मनुष्य के प्रेम का पता तब चलता है जब अवसर आता है। आदमी दो कारणों से अपना व्यवहार बदलता है, एक तो स्वभाव बस, दूसरा अभाव बस। जिसका स्वभाव रहेगा बदलने का वो बदल जाएगा। थोड़ा धन हो गया तो स्वभाव बदल जाता है, नहीं रहा तो स्वभाव बदल जाता है, अथवा दोनों के भाव अभाव में जीव का स्वभाव बदल जाता है। परंतु भक्त धीर, वो किसी भी स्थिति में उनका न भाव बदलता है न स्वभाव बदलता है। भगवान शिवजी भक्त हैं, बदला नहीं, प्रेम वहीं पड़ा रहा। केवल सती जी ने सीता मैया का स्वरूप धारण किया, इसलिए अब पति पत्नी स्वरूप में प्रेम नहीं हो सकता है। सो शिव जी ने शरीर बदलवा दिया, प्रेम वही है। यद्यपि अकाम तदपि भगवान हर भगत बिरह दुख दुखे सोजा। भगवान शिव यद्यपि भगवान हैं, निष्कामी हैं, वहां काम क्या, अकाम नगन मंगलवेश, मन में कोई कामना नहीं, कामना रहित है। जिसको कोई कामना नहीं है उसको दुख काय का, कामना पूरी हो गई तो अहम हुआ, कामना नहीं पूरी हुई तो दुख हुआ। शिव जी को कोई काम नहीं, एकदम अकाम मन, वहां दुख है नहीं, वहां तो आनंद आनंद वास कर रहा है। फिर तो इधर आगे के प्रसंग में तारक नाम के असुर की चर्चा है। इधर ही हुआ था, वो दक्षिण में बहुत प्रतापी था, बहुत प्रतापी, देवताओं को जीत लिया, अजर अमर था। भगवान ब्रह्मा से वर मांगा था, शिव जी के शुक्र द्वारा जो पुत्र जन्म ले वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में बैठे थे, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया आप लोग ऐसा करो, कामदेव को भेजो, कामदेव बोले तो कामनाओं का देवता, शिव जी को समाधि से जगाए, हम पहुंचकर तत्काल उनके विवाह की रचना बनाएंगे। कामदेव को बुलाया गया, बहुत समझाया गया, परहित के कारण से कामदेव ने रचना स्वीकार कर ली, शिव बाबा के पास पहुंच गया। शीतल मंद सुगंध बयार के सास बसंत का निर्माण किया, रंभादिक अप्सरा उसके साथ में मारे डिमडिम वाद्य बजने लगे, कामदेव का प्रभाव पूरे धरती में,
भय काम बस जोगी सुतापस पांवरन की को कहे उभय घरी असकौतुक भयउ तब लग काम शंभु पहम। लेकिन भगवान शिव को देखकर कामदेव डर गया, सन्मुख जाऊंगा तो जला देंगे हमको, क्या करूं। आम्र पल्लव के झुरमुट में छिप गया कामदेव, विचार करने लगा, लक्ष्य पूर्ण करने आया हूं देवताओं के कार्य हेतु, क्या करूं। आदमी जिस किसी रास्ते पर बढ़ जाता है, जिस किसी रास्ते पर, कोई कुछ कहता नहीं न कोई कहेगा, वो अपने सोचने लगता है कि मैं उल्टा चलूंगा तब लोग क्या कहेंगे। लोगों को अपने से फुर्सत नहीं, कौन आपको कहने आ रहा है। लेकिन आदमी को ये बात, मैं आगे चला गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चक्कर में आदमी अपना सर्वनाश कर लेता है। और सर्वनाश हो गया तो लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचता है। समझदार व्यक्ति कार्य प्रारंभ करने के पहले बहुत सोचता है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई, नीच पुरुष विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ नहीं करते। प्रारब्ध विघ्न विहिता बिरमंती मध्या, तीन श्रेणी आपको निवेदन किया। मध्यम पुरुष कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन जैसे विघ्न आया वैसे काम बंद कर देते हैं। उत्तम पुरुष विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाने प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ पुरुष कार्य प्रारंभ करने के पहले बहुत सोचते हैं और जब कार्य प्रारंभ हो गया तो सोचना बंद कर देते हैं, उसको पूरा करते हैं। बस कामदेव ने सूत्र विचार किया और अपने पुष्प के धनुष को उठाया, पांचों बाण अनुसंधान करते भगवान शिव के हृदय पर छोड़ दिया। विषम बाण लगे कामदेव के, भगवान शिव व्याकुल हो गए। कौपेउ शिव कंपेउ त्रैलोका, भगवान शिव एक पल को कुपित हुए, दाएं देखे बाएं देखे शर्म कोई दिखा नहीं, ऊपर देखा जैसे आम के पल्लों में छिपे कामदेव को भगवान भूतभावन ने देखा। भगवान शिव का देखो भैया, कई लोग शिवजी को क्रोध की मूर्ति मानते हैं, शिवजी शांत मूर्ति हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम, इसमें क्रोधावतारम कहां लिखा है। आदमी अपनी पूरी मूर्खता पूर्ण बुद्धिमत्ता भगवान पर लाद देता है, इसको कहते हैं मूर्खतापूर्ण बुद्धिमत्ता। शिवजी क्रोध के देवता हैं, शांत के देवता कौन है, विष्णु भगवान है, तो जहरे पर बैठे रहते हैं। तो जहर पर बैठे हुए विष्णु भगवान शांत कैसे हो गए, जब भजन में बैठे हुए शिवजी क्रोध के देवता हो गए। अज्ञानता नहीं, कभी ऐसी भाषा का प्रयोग भगवान पर नहीं करना चाहिए। शिव जी बैठे सो कामरी भूखे से धरे शरीर शांत रस जैसे, शांत मूर्ति गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय नारायण प्रियम अनंग मदापहारम। कामदेव के मद को हरण करने वाले, अब बताओ आप कामनाओं के देवता को हम में आप में संत महापुरुषों में कोई मार सकता है क्या। लिखते हैं धरी न काहू धीर सब कर मन मन सिज हरे। गोस्वामी जी ने लेखनी रोकी,
सबको निपटा दिया, बचा कौन? जेरा। हनुमान जी महाराज ने कहा बाबा इसको पूरा करो, गड़बड़ हो जाएगा। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह। जिसको मेरे रघुनाथ जी ने रखा वही उस समय बचा रहा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।